नोट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है अभी? दिख रहा है ना? हाँ सर, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। चलो भाई, एसी करंट इन विच मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी चेंजेस विद टाइम, है ना? ये सब सिर्फ इतना फॉर्म सर्किट थ्योरी में जो सर ने सिखाया था वो भूल जाए क्या, पूरा बुला दो, पूरा बिल्कुल फॉर्मेट मार दो, मतलब कि सर उन्होंने वाले वाले फॉर्मूला दिए थे एक एक मैकेनिक को। कुछ भी याद ही नहीं कर रहा है। मैं तुम्हें इस चीज की गारंटी दे रहा हूं कि यू डोंट नीड टू मेमोराइज एनीथिंग। ये फिजिक्स में भी याद करने लग जाओगे तो हो गया काम है। फिर कौन सा एक तो सब्जेक्ट ऐसा रहे समझने वाला, है ना? है कि नहीं? हाँ सर, ठीक है चलो। ये तो शायद किसी बच्चे को कल बता रहे थे कि वो भी आना चाहता है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर रहे हैं मालूम है ना? बजे 9 बजे। नौ हाँ बजे हाँ 9 बजे। तो तुम भी है लोग अभी सर। फिजिक्स की यस क्लास, जोएल तुम वहां फिजिक्स की क्लास अटेंड करते हो कि नहीं करते हो? सर, नहीं या तुम लोग नहीं जीता, लेकिन तुम लोग बड़े शाही नेचर के हो। कम से कम ग्यारहवा और 11वीं के बच्चों ने फोन करके बताया अपनी प्रॉब्लम, है ना? तुम लोग के पास नंबर भी था मेरा, प्रॉब्लम बताना चाहिए यार। ऐसा नहीं है, ये मत सोचा करो कि तुम्हारे फैकल्टी का काम बस तभी तक है जब तक तुम आकाश में हो, है ना? अभी भी जो बच्चों का कुछ आता है मेरे पास, सर। बिट्स में है, कोई कहीं है, कोई अच्छे कॉलेज में, कोई खराब कॉलेज में। ऐसा नहीं कि मैं जो खराब कॉलेज में आते हैं उसमें बात करना छोड़ देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। लेकिन वो कॉन्टेक्ट में है ना? चलो चलो, ये सब समझ में आ गया, ये सब हो गया था ना। एरिया वाला चलो इसके बाद क्या बच रहा था वो देख लेते हैं। टर्म्स हो गए थे, है ना? देन रिएक्टेंस क्या होता है, इम्पीडेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। मेरी वॉइस क्लैरिटी सही है? ठीक सही है। अब देखो भैया, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस होता क्या है, और मैंने तुमको ये चीज क्यों पढ़ाई वो भी देख लो, है ना? तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर थ्योरी क्यों पढ़ाई थी वो भी समझ लेते हैं, ठीक है? चलो देखो भाई, ये तुमको मैंने बताया था क्या, कुछ ऐसे बताया था। इधर आता है रियल पार्ट, है ना? क्या आता है? रियल पार्ट। और ये कौन सी है, जे वाली लाइन कौन सी है? वर्चुअल। सर। तो देखो क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है ना किसी सर्किट में, देखो कोई एसी एसी है, एसी सोर्स है ना? तो उसमें हो सकता है एक इंडक्टर लगा हो, ये कैपेसिटर लगा हो, ये रजिस्टर लगा हो, है ना? ये एक हो गया रजिस्टर आर, और ये जो हो गए इसको कहेंगे एक्सी और एक्सएल। ये क्या होते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है? तो भैया यहाँ पे जो रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस वो कितना है, आर है। और ये जो दो पार्ट होते हैं ना, ये वाले दिख रहे हैं, एक्सएल और हाँ एक्सी, सर, एक्सएल और एक्सी, ये जो टाइप का रेजिस्टेंस देते हैं उसको हम लोग रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस। रिएक्टेंस। अब देखो ये जो होता है रेजिस्टेंस, ये असली होता है, असली जिस लैंग्वेज में बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं ताकि तुम्हें समझ में अच्छे से आ जाए। इसको बोलते हैं असली रेजिस्टेंस, क्यों? क्योंकि ये जूल्स हीटिंग देता है। क्या देता है? जूल्स हीटिंग देता है, समझे? मतलब कि सर्किट में अगर हीटिंग हो रहा है तो इसी की वजह से होगा, ठीक है? ये जो रिएक्टेंस होते हैं ये नकली होते हैं। क्या होते हैं? वर्चुअल या इमेजिनरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी। ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट करते, लेकिन इनकी वजह से जो जूल सेटिंग है वो कितनी होती है, जीरो होती है। क्या होती है? जीरो। ठीक है, कितनी होती है? जीरो होती है। फिर से बता दे रहे हैं, रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टेंस बोलते हैं, बाकी इन दोनों को रिएक्टेंस बोलते हैं, और रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस नहीं बोलते। रिएक्टेंस क्या है कि तुमने सर्किट में एक एसी सोर्स लगाया तो इसका रिएक्शन क्या है, एक्सेलर एक्सी का। अब देखो एक्सेल और एक्सी निकालते कैसे हैं, ठीक है? वो भी देख लो। एक्सेल होता है ओमेगा एल जे। यहाँ पे ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एल क्या है?
इंडक्टेंस, इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस, कौन सा सेल्फ इंडक्टेंस है ना। और एक्सी क्या है, वन अपॉन में ओमेगा सी जे माइनस का, समझे कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्यों पढ़ाया था तुमको मैंने, ये इसलिए पढ़ाया था रेजिस्टेंस आता है यहाँ पे रियल वाले में, किसमें आता है रियल वाले में। अच्छा ये कैसे आते हैं वो भी डिराइव करा देंगे कि ओमेगा एल कैसे आया, वन अपॉन में ओमेगा सी कैसे आया, वो भी मैं करवा दूंगा डिराइव, ठीक है। तो देखो इमेजिनरी वाले में कौन आएगा, इमेजिनरी वाले में ऊपर आएगा ओमेगा एल या एक्सएल, नीचे कौन आएगा माइनस सॉरी वन अपॉन ओमेगा सी, नीचे आएगा है ना, सही कि नहीं, बोलो क्लियर है कि नहीं। अब yes, इनका जो नेट होता है नेट, उसको कहते हैं इम्पीडेंस, क्या कहते हैं इम्पीडेंस। वो कितना आएगा देखो, अगर मुझे इसमें इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आर हो गया रियल वाला पार्ट प्लस ओमेगा एल जे माइनस वन अपॉन में ओमेगा सी जे, है ना, ऐसे लिखेंगे ना वेक्टर को, लिखेंगे कि नहीं। अब ये अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है यार, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल ओमेगा एल माइनस क्यों किया है, क्योंकि वेक्टर अपोजिट है, एक प्लस जे ऊपर है माइनस जे नीचे है, इसको कहते हैं इम्पीडेंस, क्या बोलते हैं इम्पीडेंस, क्लियर है कि नहीं। हाँ सर, बोलो भाई क्लियर है। यस सर, बस सीख के तुम, अब तुमने कैसे अप्लाई करना है वो बता लेंगे बस, कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। जब हो जाए तो बता देना बेटा, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं, जो बताया अभी नहीं है सर। इसको सही कर लेना जूस, चलो ऑटो राइटिंग का क्या कर लेना, हो गया। हाँ सर हो गया, सबका हो गया, तीनों का एक। ये देवांश का है, देवांश नहीं आया ना सर, अभी कॉल नहीं उठाया उसने, वो ढीला हो गया यार, ये ऐसे ढीले एक बार में पढ़ाई करेगा तो बैड मिल जाएगी इसकी। आपका इसका जब से हुआ है तब से सर उसका बहुत सी चीजें मिस हो गई है सर। उसके पापा से कुछ बीमार थे ना बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर उस चक्कर में उसको बहुत देर रह गया, मतलब वो हमसे से तीन चार टाइप कभी टीचर सर केमिस्ट्री में हर एक एस्पेक्ट में देखा नहीं उसमें, लेकिन वो तब भी नहीं आ रहा था, लॉकडाउन में भी पहले नहीं आ रहा था, लॉकडाउन जब लगा था क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हुई थी वो तब भी नहीं आ रहा था, कह रहा कि सर मैं आई ट्यूटर से पढ़ रहा हूँ। हाँ सर,
वो चीज उतना ये हम उतना उसके बीच में कन्वर्सेशन नहीं होता। जस्ट कल परसों जब हुआ था तब उसने बता दिया था, तो सर उसकी वजह से उसको बहुत चीजें मिस हो रही थी। उसने सर को आई ट्यूटर से पता नहीं पढ़ लेता था, और उसके नंबर भी आ रहे थे सर। नंबर तो आ रहा है, मैंने देखे थे मार्क्स। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर, ठीक है भैया। तो भैया इम्पीडेंस हमें पता चल गया, ठीक है। अब देखो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, जैसे अच्छा इनको बोलेंगे ओम में ही, मतलब रहेंगे सबके सब तीनों के तीनों ओम में ही, ज्यादा इसमें नाटक नहीं सोचते हैं कि कुछ और बोले, सिंपल सी रखा गया है। इनको बोला ओम ही जाता है, भले रेजिस्टेंस हो चाहे इंपेडेंस हो चाहे रिएक्टेंस कुछ भी हो, है ना। ओम ही ओम, इनका जो नोटेशन है वो ओम में ही रहता है ना। जैसे एक सर्किट है, मैं बताता हूँ, एक सर्किट है ऐसा कुछ है, ठीक है। अब इस सर्किट में एक इंडक्टर लगा है, कितना XL इज इक्वल टू 5 ओम का, कितना 5 ओम का, ठीक है। एक रजिस्टर लगा है, कितना 3 ओम का, और एक कैपेसिटर लगा है, कितना 1 ओम, ठीक है। बोलो चलेगा। हाँ सर। अब V कितना है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इनिशियली कोई फेज डिफरेंस तो है नहीं, मान लो अगर कोई फेज डिफरेंस होगा कोई इसका, तो हम लोग वी को ऐसे लिखेंगे वेक्टर के फॉर्म में, वी इज इक्वल्स टू वी एंगल कितना फाई। अगर मान लो फाई जीरो है तो वी को क्या लिखोगे, वी इज इक्वल्स टू वी एंगल कितना, सिंपल सा है। अब देखो भाई इसमें जेड क्या आएगा, जेड देखना जेड कैसे आएगा, जेड आएगा आर प्लस कितना 5J, सही है भाई। XL कितना है 5J है ना, और XC कितना है -1J, -1J -1J कितना आगे बताओ 3 प्लस 4J आया ना। इसको ड्रॉ कैसे करेंगे वेक्टर को बताओ, फेजर वेजर कुछ नहीं, फेजर का मतलब है फेज, सम फेज एंगल दिखाना किसी से, है ना, कुछ अलग चीज नहीं होती है। बताओ इसको जेड को ऐसे ड्रॉ करोगे, बताओ 3 प्लस का एक्स डायरेक्शन में और 4 प्लस का वाई डायरेक्शन में, ऐसे ड्रॉ करेंगे। बोलो tan इनवर्स 3। तो जेड को क्या लिख सकते हो तुम, जेड अच्छा इनका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताओ, जेड का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 5 आएगा, 5। एंगल कितना आएगा बताओ, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, कितना हो गया 53 डिग्री हो गया ना, 53 आएगा ना। तो इसको लिखोगे 5 एंगल 53 डिग्री, समझे कि नहीं। हाँ सर। अब देखो यहाँ पे अगर करंट निकालना हो, चीज ज्यादा नहीं डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे अभी, तो बस मैं समझा रहा हूँ। अगर I निकालना हो तो I को क्या लिखोगे, V एंगल 0 डिग्री अपॉन में 5 एंगल 53 डिग्री। अब पीछे ऑपरेशन बताया है, अगर डिवाइड होता है तो एंगल माइनस होता है, तो आई कितना आएगा, V by 5 एंगल 0 माइनस 53 डिग्री इज इक्वल टू कितना, V एंगल माइनस 53 डिग्री अपॉन में 5। दैट मीन करंट क्या कर गया, 53 डिग्री से लैग कर गया, लैग कर गया कि नहीं, लैग कर गया। बताओ आसान है कि मुश्किल है। हां सर आसान है, बहुत आसान है ना। तो समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। हां सर आ गया, आ गया ना, कि जेड को शो कैसे करते हैं, बस मैंने ये तुम्हें बताया कि फेजर है, ये जेड का फेजर है, क्या है ये फेजर, किसका जेड का फेजर, ठीक है। सर आई का फॉर्मूला है, क्या कह रहे हो, आई का फॉर्मूला है, आई क्या कह रहे हो, आई अरे नहीं वो वी बाय आर करते हैं ना, अरे ये करते हैं ना, आई इज इक्वल टू वी बाय जेड होता है ना, वी इक्वल आई आर, उस तरीके से यहाँ पे आर्गुमेंट जनरेट हो गया ना, है कि नहीं। यस चल पर नोट हो जा बता देना।
अच्छा, काफी बच्चों को अभी क्लासेस के बारे में पता नहीं है, मैंने देखा हुआ। अभी कुछ और बच्चों का आया सर हमें मालूम नहीं है, ER1 के भी, EW के भी। EW का ER1 के आए थे, टीचर्स डे बेचारे विश कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि सर तुरंत बता दीजिए कि इसमें ऐसा चल रहा है, क्या चल रहा है। तो तुम लोग एक काम करना, बता देना बच्चों को, है ना, पता चला उनको लगे कि कुछ कुछ बच्चों को बताया मैंने, कुछ को नहीं बताया, है ना। चलो आगे बढ़े। एक मिनट सर, वो बताओ ना, वो कैसा है v = v0 sin? वो तो वेव दी हुई है, पहले से वेव दी हुई है, एक साइन वेव दी हुई है अपनी तरफ से, v = v0 sin ωt दिया हुआ है, उस तो डेटा देंगे ना पहले से। यस सर, ठीक है। हाँ सर, हो गया, हो गया। यस सर, ठीक है। चलो अब देखो भाई, एक एक सर्किट पढ़ेंगे हम लोग। पहला, सबसे पहला सर्किट क्या है, आर सर्किट। क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस सर्किट, ठीक है। कुछ नहीं है, फ्री फ्लो में अपने आप होता जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, सब दिख रहा होगा सामने, है ना, दोबारा पढ़ा हुआ है। बताओ रेजिस्टेंस है क्या, आर। रेजिस्टेंस आर को कैसे लिख सकते हो, आर एंगल 0 डिग्री बनाता है ना, बताओ भाई। आर जो है आर 0 डिग्री बनाता है, सिंपल सा है। अब वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं भाई, कुछ भी लिख दो ऐसे, वी एंगल 0 डिग्री भाई, इनिशियल फेज डिफरेंस 0 मान लिया मैंने, है ना। भाई करंट का डायरेक्शन बनाना वैसे एसी में तो गलत है, क्योंकि करंट आता जाता रहता है ना, फिर भी हम लोगों ने बना दिया ऐसे कि हाँ यहाँ कुछ करंट होगा, है ना। करंट यार आएगा जाएगा ना, एक डायरेक्शन फिक्स नहीं हो सकती ना, पोलैरिटी चेंज होती है। देखो यहाँ पे क्या है, फेजर बना दिया लोगों ने, तो आर आ गया रियल एक्सिस पे। बहुत बैकग्राउंड नॉइज है बेटा, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज इसका ख्याल रखो, यही रिकॉर्डिंग तुम्हारी यूट्यूब पे जाएगी, है ना, तो डिस्टर्बेंस होगा, तो जो बच्चे, जो अपने गरीब बच्चे हैं जिनको वीडियो देखने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, उनको दिक्कत आएगी, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि बैकग्राउंड नॉइज ना है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, करंट, करंट निकालेंगे, तो करंट कैसे निकालेंगे, करंट इज इक्वल्स टू वी एंगल 0 डिग्री अपॉन में आर एंगल 0 डिग्री, यही होगा ना। तो ये तो भैया आ गया कितना, एंगल 0 डिग्री भैया, 0 डिग्री अपन में 0 डिग्री, तो कुछ चेंज तो होगा नहीं। इसका मतलब है कि आई वही रहेगा, कितना, आई को क्या लिख सकते हो, वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में लिखोगे आर एंगल 0 डिग्री, तो माइनस करोगे तो क्या होगा, वी नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी एंगल 0 डिग्री, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आई, अच्छा वी नॉट बाय आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी नॉट बाय आर आई नॉट, आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब कि करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस क्या है, सेम है, क्या है, सेम। मतलब कि अगर मैं वोल्टेज को अगर ऐसे बनाऊं तो करंट भी उसी के साथ ऐसा बन जाएगा, हाँ यार, है ना, आई एंड वी आर इन फेज, फेज में, ठीक है, इन फेज ऑफ 0 डिग्री, है ना, ठीक है, कोई समस्या नहीं, नहीं सर। अब देखो क्या होगा, इसमें मैं सारे ग्राफ बना रहा हूँ और इसमें, ठीक है। तो भैया ये बताओ, अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊ तो v का भी क्या बनेगा, साइन वेव ही बनेगा, हाँ या ना, बोलो। हाँ सर, साइन का फंक्शन है, ठीक है, और ए का भी क्या बनेगा, साइन वेव भी बनेगा, है ना, सॉरी आई का,
आई का क्या बनेगा, साइन वेव। अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा डिपेंड करेगा कि आर की वैल्यू क्या है। मैंने ऐसा बना दिया बस, ठीक है, बस ऊपर ही ऊपर रहेगा। ये आई बन गया, ये क्या बन गया, ये वी बन गया, है ना। अब इसमें अगर कोई पूछे कि पावर कितना होगा, पावर तो पावर कितना होगा, देखो पावर क्या होता है, वी इंटू में आई होता है ना। हाँ सर। कितना हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू में आई नॉट साइन ओमेगा टी, कितना हो गया, ओमेगा टी, वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ओमेगा टी। तो इसका ग्राफ भी बहुत सिंपल सा है, पावर का ग्राफ कैसा बन जाएगा, स्क्वायर में बन जाएगा, स्क्वायर। तो किसी चीज का स्क्वायर कैसा बनेगा, ये ऊपर आएगा नीचे आएगा, दैट डिपेंड्स सोली ऑन किस पे, किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि इनकी वैल्यूज क्या है। लेकिन मैं यहाँ पे बना देता हूँ, पावर ऐसा बनेगा, कैसा, ऐसा, ऐसा, फिर इधर भी पॉजिटिव बनेगा। ध्यान से देखो दोनों में, पहले वाले में देखो आई भी पॉजिटिव वी भी पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, पॉजिटिव। इस वाले में क्या है, आई नेगेटिव वी नेगेटिव, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। इसका मतलब है पावर दोनों साइकिल क्या आएंगी, पॉजिटिव रहेगी। क्लियर है, ठीक है। पावर मैक्सिमम की वैल्यू क्या, वो उन पर डिपेंड करेगा ग्राफ। ऊपर नीचे कैसे भी हो सके, डिपेंड्स ऑन वैल्यू, वैल्यू क्या होगी उनकी, है ना। ठीक है, चलो छाप लो। समझ गए? हाँ सर। चलो जब सब जाए तो बताओ ना बेटा। तुम लोग की किसी डाउट क्लास में डाउट से लोग क्लियर हो पाते हैं? कौन से सर, आकाश के? उनके सर डाउट्स का आपको बताऊं तो एक बंदा शायद आपको यश कोट करने बता दिया होगा। मैथ्स के मैं दो डाउट पूछ सकते हो, तो तीसरा डाउट पूछने जा रहे हो तो गिड़गिड़ा गिड़गिड़ाना पड़ेगा उनके सामने सर, प्लीज दे दो डाउट सर, बहुत इंपॉर्टेंट। तो तुमने कभी ये सर एक बार मेरा एक बार मेरा तुम्हारी पुणे ब्रांच का होगा, पिंपरी की जोड़ ब्रांच का करेंगे, जरूरत क्या है दो ब्रांच का करने की, आओ। क्या बोल रहा, क्या बोल रहा है, मतलब सर दो दो सर डाउट सेशन में सर पुणे पुणे ब्रांच में सर आपको पता है कितनी ये होती थी डाउट पूछने के लिए, वो कंबाइन कर दी सर, दोनों तरफ के डाउट नहीं होते अब, मतलब इंटरलिंक अगर क्वेश्चन होगा तो कई बार पता ही नहीं है सर, तो एक तरीके से डाउट के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं आंसर मोस्ट ऑफ द केसेस में। हो गया, नोट हो गया भैया? एल सर्किट में क्या है, प्योरली इंडक्टिव है ना, प्योरली कैसा है, ऊपर का लिखने देना सर, ऊपर का लिखना नहीं। अच्छा रह गया। हाँ सर। क्या गूगल मीट पे कुछ कनेक्टिविटी इशू है? सर गूगल मीट पे दिक्कत है, बैक बटन दबा के बाहर ही चले जाते हो। तुम लोग को टीम पे मैं लोड कर लूंगा, ठीक है, टीम पे ही क्लास करेंगे आगे से। सर सब लोग हैं क्या उसमें, मतलब सभी लोग कैसे उसमें, सभी 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 जो कॉमन है, अभी तो तुम लोग को अलग से वो करा रहा है ना जो छूट गया तुम्हारा, वही करा रहा है। सर टीम पे ही करा दे क्योंकि लैपटॉप पे सर आसान रहता है कंपैरेटिवली। टीम पे भी ये सब नहीं होता है, लेकिन टीम के लिए एक चीज है, नेट अच्छा होना चाहिए, है ना। हाँ सर।
टीम के लिए मैंने देखा कि अगर इंटरनेट अच्छा था भी टीम में फायदा है, वरना जिसका नेट का इशू रहता है उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है टीम में। हो गया? नहीं सर। टाइम लग रहा है चलो अच्छा नोट कर लेना, लेकिन है ना शेष हो गया? हाँ सर हो गया। चलो नेक्स्ट इज एल सर्किट, है ना, इंडक्टर सर्किट, प्योरली इंडक्टिव है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। मतलब एसी एक ऐसा चैप्टर है, अगर इसको तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड से पढ़ा तो बहुत आसान बन जाता है ना। और भी मेथड, मतलब सिंपल फेजर वाले मेथड भी होते हैं, ऐसा नहीं कि वो बेकार है, लेकिन उनसे बहुत टाइम लग जाता है उससे। देखो इसमें क्या होता है, अच्छा आर आर होता है तो मालूम है, लेकिन जो इसका एक्सेल है वो ओमेगा एल कैसे आता है, उसको करने का तरीका मैं एक बार तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ। पहले किरचॉफ, किरचॉफ भैया जो है इतना पावरफुल है कि किरचॉफ का जो लॉ है वो हर जगह रहेगा, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, दोनों में एप्लीकेबल है। समझ में आया? जो लूप लॉ है वो क्या है, कुछ नहीं है। किरचॉफ का लूप लॉ ये बताता है कि भैया एनर्जी कंजर्वेशन बताता है पूरे लूप में, है ना, और कुछ है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, मान लो इनके सभी हम मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि करंट ऐसा जा रहा है, तो ये क्या करेगा, एक उल्टी बैटरी बना देगा इधर, कितनी एल डी आई वाई डी की, है ना। ठीक है, ये तो मालूम है ना, अगर करंट इस डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है उसके अपोजिट बैटरी बनाता है इंडक्टर, देखो यहाँ पे बना देते हैं। उस समय मान लेते पोलैरिटी ऐसी है, उस इंस्टेंट पे पोलैरिटी ऐसी है, तो क्या होगा, देखो V को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, V नॉट इधर गए यहाँ से 1, 2, 3, 4 वन पे गए, तो 1 से 2 गए, तो क्या हुआ माइनस V नॉट साइन ओमेगा टी, यही बताया था ना, प्लस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो अब क्या लिखोगे इसको तुम भाई, बाकी सब तो इधर चला जाएगा, डी आई बाय डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट बाय साइन ओमेगा टी, इसको हम लोग भैया इंडिकेट कर देंगे, क्या हो जाएगा डी आई इज इक्वल टू वी नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी डॉट डी टी, इंडिकेट किया जीरो से लेके कहाँ से कहाँ तक, मतलब तुम इसको इंडिकेट कोई लिमिट मत डालो, इंडेफिनेट कर दो, इंडेफिनेट है ना, इसको इधर इंडिकेट किया, इसको इधर इंडिकेट किया, तो ये क्या हो गया डी आई का इंडिकेशन आई हो गया, और ये बाय एल साइन का क्या हो जाता है माइनस कॉस ना, माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी नॉन में ओमेगा की वैल्यू का ओमेगा, तो कितना हो गया माइनस वी नॉट कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा एल, ये तुम्हारा आ गया है ना। अच्छा कॉस ओमेगा टी को और क्या लिख सकते हो तुम, कॉस ओमेगा टी को ये लिख सकते हो आई इज इक्वल्स, अच्छा वी नॉट बाय एल एस से आया, ठीक है माइनस वी नॉट ओमेगा एल, और माइनस का साइन अंदर ले गए, तो बताओ क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी माइनस आई बाय नहीं आया समझ में, देखो क्या है कैसे लिखा है, फाइव बाय टू माइनस ओमेगा टी क्यों नहीं लिख सकते, वो तो सही आएगा। अब देखो जो तुम बोल रहे हो वही लिख रहे हैं, फाइव बाय टू माइनस ओमेगा टी सही है, अब ये माइनस साइन अंदर चला गया।
समझ गए? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे पता चल गया ये इसको डिवाइड कर देता है, इसका जो एक्सेल है यहाँ पता चल गया कि यही तुम्हारा क्या है, एक्सेल है, क्या एक्सेल बन गया ओमेगा एल। और यहाँ पे ये भी आ गया आई इज इक्वल्स टू कितना भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट बाय ओमेगा, मैं आई लिख सकता हूँ, तो कितना हो गया आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू हो गया। कि भैया फेज क्या, करंट लैग कर गया कितने से, करंट यहाँ पे लैग कर गया कितने, पाई बाय टू से। अब देखो पाई बाय टू से, एक तो ये सिंपल, ये तुम्हारा डेरिवेशन हो गया है ना। अब इसको मैं फेजर से करता हूँ, देखो फेजर से कितने आराम से हो जाएगा, फेजर से देखना, इसमें जेड बनाएंगे तो क्या एक्सेल ऊपर आएगा, एक्सेल इज इक्वल टू कितना आएगा ओमेगा एल जे, या इसको अगर वेक्टर वाइज देखा जाएगा एंगल लाइन से आया ना सही। और वोल्टेज को लेंगे, वोल्टेज को लेंगे तो वी नॉट साइन ओमेगा, तो आई क्या होगी वी बाय एक्सेल, एक्सेल कितना 90 डिग्री, आई कितना आ जाएगा आई इज इक्वल टू वी अपॉन में एक्सेल एंगल माइनस 90 डिग्री ऊपर चला जाएगा, मतलब कि इसको माइनस कर देंगे कितना हो गया वी नॉट साइन ओमेगा टी से क्या कर देंगे, उतने एंगल को माइनस कर देंगे है ना अपॉन में ओमेगा एल, तो आ गया ना यहाँ से देखो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से भी आ गया बड़े आराम से वही चीज। तो इतने लंबे इंटीग्रेशन से इन सबसे तुम बच जाओगे। चलो इंटीग्रेशन तो उसको प्रूव करने के लिए जरूरी था कि वो ओमेगा एल कैसे होता है, ठीक है, तो वेक्टर वाला धड़ाधड़ हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। चलो छाप लो इसको जल्दी छाप। अच्छा ब्लैक पे व्हाइट सही रहता है, समझ में आता है अच्छे से, ब्लैक पे व्हाइट तो सरदर्द तो नहीं होता है क्यों, सरदर्द तो नहीं होता है नहीं सर, मैं टैब पे देखता हूँ तो स्क्रीन बड़ी है तो सरदर्द नहीं करता। अच्छा अच्छा राइटिंग तो समझ में आई जाती होगी। हाँ सर आ जाती है। दिख रहा है ना, अच्छा है। ब्रेक कितने बजे चाहिए बता देना सर, बिना ब्रेक पे सर जल्दी करा दे सर। नहीं यार सर, क्योंकि सर कल का एफटी के केस में सर क्या करें सर आप। अच्छा हाँ यार तुम्हारा तो एफटी लगा पड़ा है, तो थोड़ा जल्दी करा दूं मैं, बाकी तुम नोट्स ले लेना है ना, पिछली बार सर एफटी के लिए उन सर ने भी तो सर भगाया ही था ना हम लोगों को। सर चलो आगे बढ़े, नहीं सर लिखने दो ना, ठीक है सर नोट कर लो।
हो गया, फीचर बचा है लास्ट का। चलो चलो नोट कर लो, एसी करने वाले के? नहीं मैं नोट हो गया कि नहीं जल्दी बताओ। यस खास के फिजिक्स के जो सर थे ना उन्होंने मैग्नेटिज्म बहुत अच्छा तरीके से सिखाया था। क्या बेटा? आकाश के सर थे ना राहुल सर, उन्होंने मैग्नेटिज्म बहुत अजीब तरीके से पढ़ाया था एकदम। तभी मैं मैग्नेटिज्म सही पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, है ना, वो कंफ्यूज हो गए हैं कुछ, मैंने देखा उनसे क्वेश्चन पूछे तो वो बता नहीं पा रहा है। सर उन्होंने राइट हैंड रूल, सर अब राइट हैंड रूल दिखाना है तो आपको सर कैमरा तो शुरू करना ही पड़ेगा ना, क्या करना है क्या नहीं करना, वो कैमरा बंद करके बता रहे हैं हाथ को ऐसा करो कर्ल करो देखो अंदर। यस सर, यस सर, हाथ कौन सा ले रहा है, ड्रा भी कर रहे हैं सर, मतलब कैमरा ना खोलेंगे तो वो ड्रा करेंगे, समझ में नहीं आया। चलो छोड़ो उसको, चलो देखो इधर देखो, एक्सेल को ओमेगा एंगल जीरो लिख दिया है ना, तो सीधे देखो वेक्टर एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी से लिख दिया, देखो क्या आ जाएगा, आई को सीधे क्या लिख दिया, वी अपॉन में एक्सेल, वी का एंगल इनिशियली जीरो था है ना, इसका 90 डिग्री था, मैंने जीरो गलती से लिख दिया, एक्सेल एंगल 90 डिग्री, तो सीधे क्या हो गया, वी बाय एक्सेल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा एंगल माइनस 90 डिग्री, जिसको तुम क्या लिख सकते हो, आई नॉट साइन ओमेगा टी कितने से लैग कर गया, माइनस पाई बाय टू, सही है कि नहीं, जल्दी बताओ। देखो फेजर कैसा बनेगा, फेजर ऐसा बनेगा भाई, ऊपर वाला ओमेगा एल ऊपर चला जाएगा, एंगल विल बी 90 डिग्री है ना, जेड कितना हो जाएगा, जेड विल बी ओमेगा एल जे, और यहाँ पे अगर हम लोग क्या बनाएंगे, अगर यहाँ पे हम लोग भैया किसका फेजर बनाएंगे, अगर वोल्टेज और करंट का फेजर बनाएंगे तो वी इधर आ जाएगा और करंट क्या चला जाएगा, करंट लैग कर रहा है ना, करंट नीचे चला जाएगा 90 डिग्री लैग कर गया है ना, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि वी एल, इसको वी एल शो करते हैं, वी एल इंडक्टर वाला है ना, वी एल और आई एल है ना, तो वी एल लीड्स आई एल कितने से, बाय पाई बाय टू, हाँ या ना, बोलो। हाँ सर, यस सर। अब देखो इसको ऐसे कैसे बनाएंगे, इसमें ऐसे बनाएंगे भाई, वोल्टेज को तो ऐसे बना दोगे तुम, इस तरीके से वोल्टेज बन गया, हाँ या ना, ठीक है, अब करंट क्या करा, करंट लैग कर गया ना 90 डिग्री, बोलो। हाँ सर, तो कॉस बनेगा, कैसा कॉस बनेगा कि माइनस कॉस बनेगा, माइनस कॉस बनेगा, माइनस कॉस बनेगा सर, नीचे से आएगा फिर है ना, ऐसा और ऐसा और ऐसा और ऐसा, ऐसे कुछ बनेगा ना, तो ये करंट का बन गया, समझ गए है कि नहीं। हाँ सर, ऐसे बना लेना, ठीक है। यस सर, यस। अब पावर का देखना कैसे बनेगा, पावर बहुत आसान है बनाना, इसमें पावर कैसे बनेगा देखना, पावर कितना होता है बताओ, V is equals to VI होता है ना, उसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, पावर को मैं किसी और कलर से शो करूंगा, ठीक है, ब्लैक ही आ गया, पावर का ग्राफ जो है इससे ग्रीन से शो कर देते हैं ना, V is equals to VI हो गया ना, तो इसको अगर लिखोगे तो देखो इसको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्या लिख सकते हो, वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू में आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, सीधे यहाँ पे देखो, देखो इस क्वार्टर में पहले वाले क्वार्टर में एक प्लस एक माइनस है, सही है कि नहीं,
यहाँ पे V पॉजिटिव है और I नेगेटिव है, तो पावर कैसे जाएगा? कुछ नेगेटिव जाएगा ऐसे, है कि नहीं? इसमें इसमें क्या हो जाएगा? ऊपर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें क्या है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, नीचे जाएगा। इसमें नेगेटिव, इसमें दोनों नेगेटिव है, माइनस चला जाएगा। इसमें क्या हुआ? माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब है P एवरेज पूरे साइकिल में अगर देखो पावर एवरेज कितना आएगा एक साइकिल में? जीरो आएगा ना? यस सर, आया ना। लेकिन देखो रजिस्टर वाले में पावर एवरेज कैसा आया था? दोनों में साइकिल में पॉजिटिव आया था कि नहीं आया था? यहाँ देखो यहाँ पे आया था ना, है ना? क्लियर है? हाँ सर। तो बस ये इसीलिए ये नकली है। आप समझ में आया नकली क्यों है? ये बताओ नकली क्यों है? क्योंकि इसका जो एवरेज पावर है, इसका जो एवरेज पावर है वो कितना आता है? वो जीरो आता है। इसीलिए ये क्या है? ये नकली रजिस्टर है। क्या है? नकली रजिस्टर है, है ना? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस बोलते हैं। गायब कैसे हो गया बेटा? दिख रहा है ना सबको बेटा? आवाज आ रही मेरी? हाँ सर, गायब हो गया वन नोट थोड़ा लैग करता है, मैंने देखा लैग कर जाता है कभी कभी। अब आ गया है हाँ सर। चलो ये क्या है? नकली रजिस्टर है। क्या है? नकली रजिस्टर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस। ठीक है, अभी दिख रहा है सबको? अच्छा दिख रहा है। छाप लो, इतना छोटा करेंगे। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंस। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ सर। चलो हाँ सर, आ रही है। आगे बढ़े। आगे बढ़े नहीं सर, रुकिए सर। कॉपी में नोट कर रहा ना? हाँ सर, हो गया। हाँ सर ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, मतलब इंडक्टर वाला लोगों ने अच्छे से कर लिया। अब देखो अगला क्या है? डीसी सर्किट सर कैपेसिटर है, तो वही चीज है इसमें भी। क्या इसमें भी? किरचॉफ लगा के डेराइव हो जाएगा। क्या डेराइव हो जाएगा? कि लीड करेगा या लैग करेगा, है ना? V नॉट साइन ओमेगा टी एक्सी को क्या लिख सकते हैं? एक्सी इज इक्वल टू कितना? 1 अपॉन में ओमेगा माइनस, या इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा सी, और एंगल कितना? माइनस 90 डिग्री। हाँ यार ना, 90 डिग्री। और फेजर में कैसा आता है? नीचे आता है। आप नीचे आता है ना, नीचे आता है कितना? 1 अपॉन ओमेगा नीचे आता है। अब किरचॉफ अगर लगाना चाहोगे तो किरचॉफ लगा के आराम से आ जाएगा। क्या कितना आ जाएगा किरचॉफ लगाओगे? तो फिर से वही लेना पड़ेगा तुम्हें, प्लस माइनस, है ना? तो यहाँ पे किसी भी टाइम पे जो तुम्हारा मान लेते हैं उस टाइम पे तुम्हारा यहाँ पे क्या है, कुछ करंट है या चार्ज है, उसमें प्लस की माइनस की, ऐसा कुछ जनरल मान लिया मैंने, है ना? ठीक है, तो कितना हो जाता था वो बताओ? इस टाइम पे माइनस वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना?
जीरो यही होता था ना। हाय ना, हेलो। हाँ सर, अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो चाहो तो, है ना। तो कितना हो जाएगा, माइनस वी नॉट ओमेगा साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और प्लस डी क्यू बाय डी टी बाय सी जीरो, डी क्यू बाय डी बाय, है ना। हाँ सर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू कितना उधर चला जाएगा, वी नॉट, है ना, वी नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, इसको देख सकते हो। कॉस क्या लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी प्लस वाई बाय टू, हाँ या ना, है कि। देखो यहाँ पे क्या बन गया, हाँ ये एक्स ही बन सर, गया, इस पूरे को मैंने आई नॉट लिख लिया, इस पूरे वाले को साइन ओमेगा टी प्लस वाई बाय टी, तो यहाँ पे क्या हो गया, आई जो है लीड्स दिया मैंने, आईसी लीड्स की बाय कितने, इसी यहाँ पे चीज है। मुत्ता अलग होता है जब मल्टीपल चीजें होती है, रजिस्टर अलग होता है, बाय कैपेसिटर बाय बाय, अलग होता है, तब, है ना, सही कि नहीं। सरकार का आपने सुना मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे आईसी वीसी और टोटल भी वो सब सेम ही है क्योंकि एक ही चीज है ना, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे अगर मैंने V बनाया ऐसे, V बताओ I क्या कर गया, फेजर में भाई फेजर बनाया अगर मैंने, तो I क्या कर गया, लीड कर गया कितने से, किसको, VC को, सही कि नहीं। हाँ सर, अच्छा, तो इसको वेक्टर वाइज अगर करेंगे जो हम लोगों ने सीखा है तो कैसे करेंगे, देखो वेक्टर वाइज XC को क्या लिखोगे बताओ, ओमेगा जे को, या एंगल कितना, माइनस हंड्रेड डिग्री सही है, माइनस हंड्रेड डिग्री, माइनस 90। और वी को क्या लिखोगे, वी इज इक्वल टू ये एंगल 0 डिग्री, या लिख सकते हो वी नॉट साइन ओमेगा टी, भैया क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू कितना, वी बाय एक्स करोगे कितना हो गया, वी एंगल 0 डिग्री, वन में वन अपॉन में ओमेगा सी एंगल माइनस 90 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वी प्लस 90 एंगल 90 डिग्री, वन में वन अपॉन में सी, या क्या लिख सकते हो, वी नॉट साइन ओमेगा टी कितने से क्या कर गया, बाय से लीड कर गया, ये लिख सकते हो ना, वन अपॉन में कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है पता चला कि नहीं, बोलो। हाँ सर, वो आया समझ में, यस सर। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक बार ग्राफ देखो, एक बार ग्राफ देखो इसका, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, वीआर अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज तो एज इट इज बना दिया मैंने, है ना, करंट कैसे बनाएंगे, करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ना, तो लीड वाला कैसा होता है, आगे बनता है कि पीछे बनता है, पीछे बनता है ना, ऊपर से आएगा, कॉस वाला बन जाएगा ना, हाँ ऐसे, और ऐसे ऐसा बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे पावर कैसे बनेगा, पावर पावर की बात करते हैं, पावर ऐसा बनेगा, पावर क्या होगा, वी आई होगा ना, है कि नहीं, मल्टीप्लाई कर देना कितना, वी नॉट साइन ओमेगा टी और आई साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, यही ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो ऐसा बन गया है ना, यहाँ पे लिख जरूर लेना भैया, क्या हाँ सर, सब पॉजिटिव आएंगे, ये नहीं सब पॉजिटिव नहीं आएंगे, एक पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, इतनी जल्दबाजी मत करो, ये पावर का है, ग्रीन वाला किसका है, पावर का है, ठीक है सर, ठीक है, जल्दबाजी में के चक्कर मत रहो, देखो दोनों पॉजिटिव है तो प्लस, यहाँ पे एक प्लस और नीचे माइनस, कैसा माइनस, फिर ये दोनों प्लस,
दोनों माइनस ना, माइनस इनटू माइनस प्लस, फिर एक प्लस एक माइनस, भैया इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी पावर एवरेज कितना होगा, जीरो आएगा, इसलिए भी ये भी क्या है, ये भी नकली, इसलिए इसको रिएक्टेंस बोलते हैं, समझ में आ गया? ठीक है क्लियर है भाई, छोटा कर दे रहा है, नोट कर लो अच्छे से, और एक ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, देन वी विल स्टार्ट। क्यों ब्रेक क्यों ले रहे हैं बता देते हैं, क्योंकि अब हम लोग जो है एलसीआर सीधा पूरा सर्किट पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक मैं टाइम दे रहा हूँ। ऑसिलेशंस के लिए थोड़ी दिक्कतें हो रही थी सर, एलसी ऑसिलेशंस, हाँ सर थोड़ी दिक्कतें हो रही थी, चलो उसको भी करवा देंगे, जब जितना मैंने पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि एलसीआर में पूरा लगेगा, है ना? ठीक है सर, तो हम लोग मिलेंगे कितनी देर में, 6 बजे मिलेंगे, 6:10 के आसपास, ठीक है? ठीक है सर, 6 बजे, ओके, अच्छा 6 o'clock है ना, बाकी मैं बता दूंगा, ठीक है, सबने नोट कर लिया है? नोट लिखने, हाँ नोट नहीं सर लिखना है, नोट करो, नोट करो, नहीं सर लिखना, सर ऊपर देखना, एक मिनट,